Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247, wherein we discuss finance current affairs. तो आज की वीडियो में we are going to study about four topics, four news. हम पिछले एक हफ्ते से we have been studying about RBI, its guidelines, master directions, you know, everything related to RBI. We also discussed the RBI's governor speech, right? So, अब बहुत ज्यादा आरबीआई के बारे में डिस्कशन कर दिया. लेट अस नाउ टॉक अबाउट फाइनेंस करंट अफेयर्स जो न्यूज में आए हैं, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन न्यूज रिलेटेड टू फाइनेंस. द फर्स्ट वन इज अबाउट एफएसडीसी मीटिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. व्हाट इज दिस काउंसिल, व्हाई वाज इट क्रिएटेड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है. देन फॉरेक्स रिजर्व, बहुत टाइम से न्यूज में था, इंडिया का क्या फॉरेक्स रिजर्व है, आरबीआई के पास, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये न्यूज में आता ही रहता है. द फॉरेक्स रिजर्व कीप्स चेंजिंग, राइट. आरबीआई मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व को, विच इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स रिजर्व के क्या क्या पार्ट है. देन IFSCA हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद समबडी, वी विल अंडरस्टैंड दैट. देन ये छोटी सी न्यूज है, REC ने बॉन्ड्स इशू करे हैं इन The GIFT City in IFSC. Okay. Let us see the first news, which is about 27th meeting of FSDC Council. Right. FSDC is Financial Stability and Development Council. This council is headed by the Finance Minister of India. Now, this time the meeting was held in Delhi. This is the 27th meeting. अब इस मीटिंग में बात क्या होती है? जनरली दिस मीटिंग टॉक्स अबाउट रिफॉर्म्स दैट आर सपोज टू बी यू नो हैपनिंग इन द रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया. अब हुआ क्या था, लेट अस जस्ट टॉक और रिकैप्चुलेट अबाउट द एफएसडीसी. ओके, सो 2010 से पहले बहुत ज्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैकेनिज्म में इश्यूज थे, राइट. सो देयर वाज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन वेरियस रेगुलेटर्स. अब एक अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को ही ले लो, फाइनेंशियल सेक्टर में देर आर अ लॉट ऑफ रेगुलेटर्स वर्किंग टुवर्ड्स डिफरेंट एरियाज, विच इज इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस और बैंकिंग के अलग अलग रेगुलेटर है, राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिफरेंट रेगुलेटर्स. IRDAI है, PFRDI पेंशन सेक्टर में है, राइट. सिमिलरली RBI है, SEBI है सिक्योरिटीज एक्सचेंज के लिए, राइट. सो वी हैव डिफरेंट रेगुलेटर्स, बट वॉट एक्चुअली समटाइम्स हैपन्स इज देर इज अ टसल बिटवीन वेरियस रेगुलेटर्स एंड देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस रेगुलेटर्स. अगर कोई स्कैम हुआ है तो ये किसी और पे नाम लगाएंगे कि सुपरविजन में प्रॉब्लम थी, हमारे पास तो रेगुलेशन का डिपार्टमेंट है, राइट. विच करंटली हैपन्स इन RRBI एज वेल, राइट. NABARD और RBI में सुपरविजन और रेगुलेशन डिवाइडेड है, राइट. सिमिलरली UTI की हम बात करें, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अब इशू है ये SEBI के अंडर आएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो ये SEBI के अंडर आएगा, RBI के अंडर आएगा, राइट. सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे. इफ कोई स्कैम होता है या अगर कोई भी लकुने होता है इन व्हेन इट कम्स टू सुपरविजन और रेगुलेशन, राइट. सो टसल कीप्स टेकिंग प्लेस बिटवीन वेरियस रेगुलेटर्स, कोऑर्डिनेशन बहुत कम थी. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय रघुराम राजन कमिटी. तो रघुराम राजन कमिटी इन 2008 डिसाइडेड कि अब रेगुलेटर्स के ऊपर एक काउंसिल बनाया जाएगा. अ काउंसिल विल बी फॉर्म्ड. ओके, अ काउंसिल विल बी फॉर्म्ड जिसके ये सारे रेगुलेटर्स जो हैं दे विल बी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. काउंसिल में मीटिंग्स होंगी रेगुलरली एंड डिस्कशंस विल टेक प्लेस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स दैट आर सपोज्ड टू बी कमिंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर. ओके, सो 2010 में ये काउंसिल बना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. नाम से ही पता लग रहा है स्टेबिलिटी की पे फोकस है, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट पे, राइट. इंटर रेगुलेटरी बॉडी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ये इस काउंसिल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंडा है, राइट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन. इट केम आफ्टर द रघुराम राजन कमिटी गेव इट्स सजेशन टू फॉर्म दिस काउंसिल. एंड अब ये है क्या, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल. नॉन स्टैट्यूटरी मीन्स किसी एक्ट के अंदर नहीं आया है, इट केम थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010. एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर ये काउंसिल लेके आए, द गवर्नमेंट ब्रॉट आउट दिस काउंसिल इन 2010, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. Now, like I said, ये काउंसिल के मेंबर्स हैं सारे रेगुलेटर्स. Who will head this council? This council will be chaired by the Finance Minister of India. So, ये जो काउंसिल है, it is chaired by the Finance Minister of India. और सारे जो रेगुलेटर्स हैं, इनके जो हेड्स हैं, they will be part of this council. And जैसे RBI गवर्नर है, SEBI चेयरपर्सन, IRDAI, PFRDA, right? इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के, राइट. सिमिलरली
DEA, राइट, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, इनके मेंबर्स या इनके सेक्रेटरीज, इनके चेयरमैन, वेरियस सेक्रेटरीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. फिर आगे जाके 2008 में IBBI रियलाइज हुआ कि IBBI भी हम कैसे भूल गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इंसॉल्वेंसी बोर्ड. सो इसके भी हेड को इसका मेंबर बनाया गया. सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ यू नो मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज आर पार्ट ऑफ दिस काउंसिल. देयरफॉर दिस काउंसिल टॉक्स अबाउट इंटर रेगुलेशन में कोऑर्डिनेशन लाना है. दैट वॉज द पर्पस ऑफ दिस काउंसिल. ओके, so it is chaired by the finance minister and these are the members of various regulators, theek hai, heads of financial sector regulators, then secretary of the department of economic affairs, secretary of the department of financial services and CEA, chief economic advisor. ye nahi bhul sakte, he is also the member, theek hai. member aap se pooch sakte hain aapke exam mein. 2018 में और कुछ मेंबर्स इसमें ऐड करे गए. फॉर एग्जाम्पल IBBI का चेयरपर्सन इसमें ऐड करा गया, राइट, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऐड हुआ. तो अब देख लेते हैं कि ये मीटिंग क्या हुई थी, राइट. सो दिस वाज द 27th मीटिंग. पहले तो ये याद रखना है, दिस वाज द 27th मीटिंग चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. अब इस मीटिंग में जो रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं इन द कमिंग इयर्स दैट वर डिस्कस्ड, राइट. सबसे पहले उन्होंने रेगुलेटर्स के बारे में बात करी थी. दैट रेगुलेटर का जो फोकस होता है, इट इज ऑलवेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट. सो दे हैव टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट विजिल सो दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी कैन बी मेंटेन. बहुत जनरल, कुछ स्पेसिफिक बात नहीं है. आफ्टर दैट डिस्कशंस वर टेक ऑन वाज टेकन प्लेस ऑन फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स कंप्लायंस बर्डन, राइट. सो वेरियस रेगुलेटर्स हैव यू नो वेरियस नॉर्म्स टुवर्ड्स कंप्लायंस. लाइसेंस चाहिए तो क्या कंप्लायंस फॉर्म्स भरने हैं, ओके. इफ यू वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम वन टीयर टू अनदर टीयर, क्या फॉर्म्स है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है. सो दिस एप्लीकेशन प्रोसेस शुड बी स्ट्रीमलाइंड, शुड बी एफिशिएंट, ताकि बर्डन कम हो सके ऑन वेरियस रेगुलेटेड एंटिटीज, राइट. सो दिस वॉज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस कर सके एंड द प्रोसेस शुड बी स्ट्रीमलाइंड एंड इट शुड बी एफिशिएंट. फिर उन्होंने बात करी साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट शुड बी द फोकस, राइट. साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड, दैट शुड बी द फोकस, राइट. सो टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा द फोकस शुड बी देयर ऑन साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी पे भाई अपना फोकस बढ़ाओ एंड टू प्रिवेंट वेरियस साइबर अटैक्स, जिससे जो इंफॉर्मेशन है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो किसी के हाथ में ना जाए, राइट. सो टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा एंड इससे क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी इन द ओवरऑल सिस्टम, राइट. टू मेंटेन द ओवरऑल सिस्टम इंटेग्रिटी. देन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ड्राइव्स टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, यस, अनक्लेम्ड डिपॉजिट. तो हमें पता है RBI के अंडर आता है DEAF, डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड. सिमिलरली सेबी के अंडर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आता है, राइट. उसमें क्या होता है, इफ देयर इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और अनक्लेम्ड यू नो अनक्लेम्ड अमाउंट, कोई क्लेम है या अनक्लेम्ड डिविडेंड है, राइट. सो अनक्लेम्ड डिविडेंड दैट इज गिवन बाय अ कंपनी बट नॉट क्लेम्ड बाय द इन्वेस्टर, वो उसके अंदर होते हैं एंड दिस इज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अब इसकी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द रेगुलेटर्स, राइट. सो द रेगुलेटर्स लाइक RBI एंड SEBI हैव द फंक्शन ऑफ यू नो एजुकेटिंग और providing awareness to various investors and to the economy in general. So financial awareness bahut zyada important hai, right. Ab similarly aise drives leke aao, they talked about to bring special drives towards settlement of unclaimed deposits, towards settlement of unclaimed deposits. How will somebody know that they have deposit in this bank account, okay, or a dividend was announced and we have an unclaimed dividend, right, in that account or in the fund, right. So jo fund bana hai usko acche se utilize karo, एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करो टू वेरियस इन्वेस्टर्स, ओके. तो जनरल जनरल बातें हुई हैं, नॉट समथिंग स्पेसिफिक, बट इन लोगों ने अटेंड करा है. हैव अ लुक एट द नेम्स. सो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, SEBI चेयरपर्सन मदापी पुरी भूज, IRDAI चेयरमैन देवशीष पांडा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट IBBI चेयरमैन रवि मित्तल, सब बहुत इंपॉर्टेंट है. हैव अ लुक एट द नेम्स, ये भी RBI में पूछ सकते हैं, हु ऑल अटेंडेड एंड दे कैन गिव यू द नेम्स ऑफ द पीपल हु अटेंडेड, राइट, ओके. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल हो गया. अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के नीचे आती है FSDC सब कमिटी. इट वर्क्स अंडर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल. सो FSDC है, उसके नीचे देयर इज सब कमिटी. दिस
सब कमिटी सबसे पहले तो इट मीट्स मोर ऑफन दैन द एफएसडीसी, ठीक है, ये रेगुलरली मिलती रहती है. एंड हु हेड्स दिस कमिटी, सब कमिटी, द आरबीआई गवर्नर हेड्स दिस सब कमिटी. इसके अलावा द फोर डेप्यूटी गवर्नर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सब कमिटी, जो कि एफएसडीसी का पार्ट नहीं थे. सो फोर डेप्यूटी गवर्नर्स आर पार्ट ऑफ दिस सब कमिटी, राइट, एंड इट इज चेयर्ड बाय द गवर्नर. आरबीआई गवर्नर इनको चेयर करता है, ठीक है. इसके अलावा हु ऑल आर द मेंबर्स, सेक्रेटरी डीईए इन चार्ज ऑफ द एफएसडीसी, राइट, जो डीईए एफएसडीसी में थे ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द सब कमिटी. ओके, तो 2011, अब द सेकेंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप, राइट. दिस ग्रुप इज फोकसिंग और इसका फंक्शन है टूवर्ड्स इंटर रेगुलेशन ऑफ वेरियस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट. सो कॉर्डिनेशन, नॉट इंटर रेगुलेशन, कॉर्डिनेशन, कॉर्डिनेशन ऑफ वेरियस रेगुलेटर्स, राइट. सो उनके बीच में कॉर्डिनेशन हो, इंटर रेगुलेटरी कॉर्डिनेशन अमंग द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, राइट. 2011 में यू नो दिस केम अप इन द थर्ड मीटिंग ऑफ द एफएसडीसी सब कमिटी, ठीक है. एफएसडीसी की सब कमिटी हुई थी, उसमें ये इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप आया था. अब इसकी जो भी वर्किंग्स होती है, द वर्किंग्स ऑफ दिस इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप आर गिवन टू द प्रोवाइडेड टू द एफएसडीसी सब कमिटी, ओके. हु चेयर्स द ग्रुप, द ग्रुप इज हेडेड बाय ईडी व्हिच इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. चलिए, राइट, लाइक आई सेड द वर्किंग ऑफ दिस ग्रुप इज प्रोवाइडेड और रूटीनली प्रेजेंटेड टू द सब कमिटी, एफएसडीसी सब कमिटी. इसके अंडर कुछ और भी ग्रुप्स आते हैं, कमिटीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी, अर्ली वार्निंग ग्रुप, इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स. सो ऐसे कुछ और कमिटीज भी, एज जो जब काउंसिल की मीटिंग्स हुई या सब कमिटी की मीटिंग्स हुई तो और कुछ ग्रुप्स इन्होंने बनाए टूवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स या इनके छोटे छोटे अलग अलग फंक्शंस थे, राइट. सो वट एवर वॉज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एफ एस डी सी वो हमने यहाँ कवर कर लिया. ओके, द सेकेंड न्यूज अबाउट इज अबाउट फॉरेक्स रिजर्व्स. अब फॉरेक्स रिजर्व्स फ्लक्चुएट होते हैं, राइट. सो द आरबीआई मैनेजेस द फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया. अब फॉरेक्स रिजर्व्स में आता क्या है, इफ यू रीड द फर्स्ट लाइन, द शेयर ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी एसेट इज डिप्लॉयड, इज मेजरली डिप्लॉयड इन द ओवरसीज सिक्योरिटीज विच रोज टू 80%. सो 80% ओवरसीज सिक्योरिटीज में है. 80% ऑफ वॉट, फॉरन करेंसी एसेट ऑफ द कंट्री. इसका क्या मतलब है, दिस इज टॉकिंग अबाउट फॉरन करेंसी रिजर्व. तो ये समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फॉरन करेंसी रिजर्व. उससे पहले दिस इज इंफॉर्मेशन एज ऑन April 28, राइट. दिस इंफॉर्मेशन इज एज ऑन April 28 रिगार्डिंग फॉरन एक्सचेंज रिजर्व. सो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व करंटली इज 588. In 2021-22 में, I think yes, 2022 initially, so RBI ने 600 billion dollar का mark cross कर दिया था, which was in news, बहुत ज़्यादा news में था, but because rupee depreciate हुआ recently also, after the Russia-Ukraine war, we saw that rupee started depreciating, therefore RBI had to dip into its, this reserve, ठीक है, तो ये उसकी वजह से ये reserve कम हो गया, okay. So, this is the foreign exchange reserve as on April 28. Just have a look कि कितना amount है generally. Okay. आगे बढ़ते हैं, gold कितने ton का है, ton important नहीं है, but just have a look at the dollar value of gold. So the gold is, yes, $45 billion SDR. अब ये सब क्या है, we'll understand that in a minute. SDR, that is special drawing right, $35 million से बढ़ के हो गया है $18 billion. And similarly reserve position is $5.17 billion as on April. ठीक है. Do not, you do not have to learn this, but basic understanding ले लो कि कितना around what is the percentage, right? So $5 billion के approximate is the reserve position. अब समझते हैं what is reserve position, what is SDR. So जब हम forex की बात करते हैं, किसी भी country के forex की बात करते हैं, forex reserve की बात करते हैं, तो forex reserve is in four forms. सबसे पहले फॉरन करेंसी एसेट्स जो कि आते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है, फॉरन करेंसी सिक्योरिटीज, फॉरन करेंसी सिक्योरिटीज, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व में आता है फॉरन करेंसी सिक्योरिटी, देन वी हैव गोल्ड, देन वी हैव एसडीआर एंड रिजर्व पोजिशन, रिजर्व पोजिशन, ओके. सो दिस
these form part of the forex reserve of any country. ठीक है. Now what is SDR? Gold हमको पता है, foreign currency securities हमको पता है. What is SDR? हम एक बार समझेंगे. What is SDR? Right? Special drawing right. IMF fund बना था, International Monetary Fund, 1945 में. We all know about this Bretton Woods की conference के बाद 1945 में IMF International Monetary Fund बना था. Right? 190 countries इसकी members है. अभी एक fund है. When we say it is a fund, means it is just a fund जिसमें सारी countries ने contribution दिया है. Right? So a lot of countries together have contributed in the fund. They have contributed together in the fund. Various countries, they came together and contributed in the fund. कि अगर किसी emergency situation में किसी भी developing country को या किसी किसी private organization को या किसी भी country को जरूरत पड़े to take money from the IMF, they can withdraw this money. Okay? सबसे पहले तो सारी countries ने ही मिलके इसमें पैसा डाला है इस fund में. And apart from that, in any emergency situation, if any country wants to withdraw this money, they can do that. If they want to take loan from the IMF, they can do that. ठीक है. Now, if you remember, India, after the crisis, जो आया था, debt crisis, after that, the Gulf crisis, right? So, after that, India also went to IMF, जिसके बाद liberalization policy, IMF ने suggest करी थी India को, that if you want to take such a huge loan, you have to open up your economy, you have to let, you know, globalization को sweep in करना है in the economy, right? So, LPG, liberalization, privatization, globalization reforms came up in 1992, after this event only when India went to IMF to ask for loan. ये सबको हमें पता है. Now we have understood what is IMF. We also understood कि सारी countries को they together come up and they pay amount to this IMF. IMF में वो पैसा जमा करते हैं. Now we talk about the quota. On the basis of quotas only, on the basis of quota only, they give money or financial resources to the IMF. कोटा के बेसिस पे, तो कोटा डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स दैट इज टू बी गिवन टू द आईएमएफ, राइट? सो कोटा के बेसिस पे आईएमएफ में पैसा जाएगा. नाउ दिस कोटा डिपेंड्स ऑन फोर इंडिकेटर्स. सबसे पहले साइज ऑफ द जीडीपी. नाउ वेटेज इज गिवन टू दीज फोर इंडिकेटर्स. वी अंडरस्टूड कोटा किस पे डिटरमाइंड होता है, फोर इंडिकेटर्स पे. वेटेज इज गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिकेटर. साइज ऑफ द जीडीपी को मिला 50% वेटेज, ओपननेस 30%, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15% एंड इंटरनेशनल रिजर्व्स आपके पास कितने हैं, 5%, राइट? सो दीज आर द इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे कोटा मिला. अब इस कोटा के बेसिस पे यू विल गेट टू नो कि कितना आप पैसा लेके जा सकते हैं, राइट? सो कोटा के बेसिस पे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन हुई इन द आईएमएफ, देन आईएमएफ इशूड यूनिट्स. इन यूनिट्स को बोला गया एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. This SDR is not a currency, it is a unit of IMF. It is a unit of IMF, it is not a currency. Similarly, it is not a claim on the IMF. कि आप IMF को जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास SDR है, तो हमारा claim है IMF पे या IMF के resources पे, right? But you can use this SDR, you can use the SDR to convert it to any currency. ठीक है, अब SDR क्या होता है पहले वो देखते हैं. So this is the unit of IMF. IMF ने SDR issue करे, special drawing right. ये कुछ नहीं है, यूनिट है जिसमें फाइव करेंसीज, इट इज द बास्केट ऑफ फाइव करेंसीज. तो इट इज अ बास्केट ऑफ फाइव करेंसीज, पांच करेंसीज की बास्केट है. ओके, यस. सो इट इज अ बास्केट ऑफ फाइव करेंसीज विच इज डॉलर, यूरो, युआन, जापानीज येन एंड द ब्रिटिश पाउंड. ठीक है, तो फाइव करेंसीज की बास्केट है ये, जिसमें दिस द फाइव करेंसीज विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट. तो ये यूनिट है ऑफ द आईएमएफ. अब इस एसडीआर को यूज करके यू कैन फ्रीली, एनी कंट्री कैन फ्रीली कन्वर्ट दिस टू एनी अदर करेंसी, राइट? अब ये जो डिनोमिनेशन है, इट द एसडीआर कंसिस्ट ऑफ फाइव, यू नो, फाइव करेंसीज, बास्केट ऑफ फाइव करेंसीज. हाउएवर दिस एसडीआर इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स, इट इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स, डॉलर्स में डिनोमिनेशन है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि बाकी करेंसीज की वैल्यू डॉलर के टर्म्स में जब डिफाइन होगी, सो मार्केट चेंजेस होते हैं, वॉलिटिलिटी की वजह से देयर इज चेंज इन द करेंसी रेट, राइट? सो ये डेली डिटरमाइन होती है कि एसडीआर क्या है. ओके, सो द एसडीआर इज डिटरमाइंड डेली. नाउ दिस एसडीआर इज एलोकेटेड टू ईच कंट्री, हर कंट्री को एलोकेट होती है इनिशियली,
सबसे पहले ही एलोकेट हो जाती है हर कंट्री को बेस्ड ऑन द कोटा। यहां पे हमने पढ़ा कोटा आर डिटरमाइंड इन एसडीआर, जो कोटा से दे विल डिटरमाइन द एसडीआर एलोकेशन, द कोटास विल डिटरमाइन द एसडीआर एलोकेशन, कितना किस कंट्री को एसडीआर एलोकेट होगा टू द मेंबर कंट्रीज। अब इस कोटा के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द कोटा, थ्री थिंग्स आर डिटरमाइंड, द वोटिंग पावर, कितना क्या कंट्री वोट कर सकते हैं इन द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द आईएमएफ, द बोरोइंग लिमिट, कितना बोरो कर सकते हैं, और कितना आपको एसडीआर एलोकेट होगा। राइट, एवरी कंट्री इज एलोकेटेड एसडीआर, दैट इज द यूनिट विच हैज फाइव करेंसीज, विच इज अ बास्केट ऑफ फाइव करेंसीज। ओके, अब इस बास्केट ऑफ फाइव करेंसीज को एक यूनिट बना दिया जो कि एसडीआर है। इस एसडीआर यूनिट को बेच के यू कैन ऑल्सो बाय एंड सेल अदर करेंसीज। ओके, दिस इज अबाउट एसडीआर, इट इज द रिजर्व एसेट। तो जो फॉरन, जो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फॉरन फॉरेक्स रिजर्व ऑफ एनी कंट्री, फॉरेक्स रिजर्व ऑफ एनी कंट्री का पार्ट है ये एसडीआर। राइट, सो इट इज अ रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ। SDR is not a currency, it is not a claim on the IMF. However, using SDR, you can freely convert currencies into any other currency. It is a basket of currency, जिसमें ये पांच currencies आती हैं, ठीक है। It is held at a part of forex. We can use SDR for making various transactions with the IMF. कुछ transactions कर सकते हैं, however, it is not a currency, it is only a unit, ठीक है। Now, the third one is about reserve tranche position. Reserve tranche position, it is nothing but drawing right of any member. Drawing right, emergency ki situation mein kitna ek member country draw kar sakti hai, that is reserve tranche position. Right, that is reserve tranche position. Ki hum short notice pe itna withdraw kar sakte hain, itna humne forex, jab countries quota mein paise deti hain, right, when they give money they contribute in the quota, they contribute in the form of domestic currency and they contribute in the form of foreign currency, foreign currency, domestic currency. To iska matlab foreign currency mein bhi unhone paisa diya hua hai, domestic mein to diya hi hua hai, that means they have given in the foreign currency as well. Right, so ab us basis pe we have the right, a member has a right to get money without giving, either giving very short notice or without giving any notice, बहुत short notice पे they can take this money, right? So this is drawing right, that is in case of emergency, okay? Without agreeing to the conditions paying a service, so it is an emergency account or emergency reserve tranche, okay? Right, so this was about reserve tranche, this and SDR, which form part of the forex reserve. ठीक है, forex reserve keeps changing. We just have to know what is the forex reserve of a country. Information मैंने ऐसे ही दी है. You do not have to learn each and every portion. Gold कितना है या SDR कितने हैं, right? Just have a look at them once. ठीक है. Okay. So the next news is about IFSCA MOU sign करा है IFSCA ने. So the IFSCA International Financial Service Center Authority. बहुत टाइम से हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट इज दिस अथॉरिटी। नाउ दे हैव साइंड एन एमओयू विद आईआईटी हैदराबाद का एक आई हब है, आई हब डेटा ऑफ आईआईटी हैदराबाद। राइट, सो दिस इज अ टेक्निकल इनोवेशन हब। आई हब की बात कर लेते हैं, आई हब डेटा, इट इज अ टेक्निकल इनोवेशन हब, टेक्निकल इनोवेशन हब फॉर डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट, एंड डेटा कंपनीज, राइट। सो अब ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम है जिसके अंडर ये आई हब डेटा बना है अंडर IIT IIIT हैदराबाद, राइट। सो IFSCA हैज गॉटन इन टू एन MOU विद आई हब डेटा। वॉट, कहाँ, किसके अंडर आता है ये आई हब डेटा? इट इज पार्ट ऑफ IIIT हैदराबाद, ठीक है, IIIT हैदराबाद। नाउ दिस MOU एम्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, क्या फ्रेमवर्क, कि कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हो बिटवीन IFSCA एंड द आई हब डेटा, दैट इज IIIT का पार्ट है, टू कोलैबोरेट एंड सपोर्ट ईच अदर, सारी फिनटेक कंपनीज को, टेक फिन कंपनीज को सपोर्ट मिल सके एक दूसरे का, एंड दे कैन यूज द सर्विसेज ऑफ IFSCA, राइट। सो वेरियस फिनटेक कंपनीज कैन यूज सर्टन सर्विसेज ऑफ IFSCA, मेजरली द सर्विस ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स RBI का हमने पढ़ा हुआ है, RBI का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, जो भी
फिनटेक कंपनीज हैं, दे कैन ब्रिंग आउट वेरियस इनोवेशन, यू नो वेरियस प्रोडक्ट्स टूल्स वो लेके आ सकती है अंडर अ क्लोज फ्रेमवर्क जहां पे रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत होंगी. तो लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं ऑफ देयर सोल्यूशंस, फाइनेंशियल सोल्यूशंस, राइट, इनोवेटिव सोल्यूशंस दैट दे हैव ब्रॉट अप, दे कैन लाइव टेस्ट इट इन अ रेगुलेटेड एनवायरमेंट, राइट, जहां पे कंप्लायंस बहुत कम है, राइट. सो इन अ क्लोज एनवायरमेंट दे कैन लाइव टेस्ट देयर इनोवेशन, देयर प्रोडक्ट्स, देयर टूल्स दैट एनी फिनटेक कंपनी इज ब्रिंगिंग. ओके, ये होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में. अब IFSCA का भी एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है. IFSCA की हमने बहुत बार डिस्कशन करी हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इट इज एन अथॉरिटी ओवर द IFSC. इंडिया में क्या कौन सी IFSC है अभी करंटली? गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात वर्किंग एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनली बाहर विद यू नो आउटसाइड देयर ज्यूरिसडिक्शन. दे प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, पेंशन, राइट. सो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अब उसके ऊपर जो अथॉरिटी है दैट अथॉरिटी इज IFSC. ओके, जस्ट लाइक RBI इज इन द बैंकिंग सेक्टर, SEBI इज टूवर्ड्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड, वैसे IFSC जो फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करी जा रही है इंडिया से बाहर, For over that there is IFSCA, that is authority. So regulate करती है, develop करती है financial service, international financial services को. Okay. Now they have signed an MOU with iHub Data, which is part of IIIT Hyderabad. iHub Data क्या है? We have also learned that. Now this MOU is put in place for what? For providing a framework for cooperation and understanding between these two. ये हमने पढ़ लिया. And जो कि the fintech companies and tech fintech companies can collaborate, support each other and use services of each other or help each other. Now there is one service that it can avail is the IFSCA's regulatory and innovation sandbox. Similarly जैसे RBI ने regulatory sandbox करा था, वैसे IFSCA का है regulatory and innovation sandbox. Regulatory and innovation sandbox. Now, this is the regulatory sandbox of IFSCA, जहां पे various entities that are working in capital market, banking, insurance, various sectors, financial service space में काम कर रही हैं, various entities and they want to bring in innovative solutions, they can do that in the live environment with limited set of real customers for limited time frame and where the regulatory compliance is very less. ठीक है. Then, अब IFSCA की बात चल रही थी तो आई थॉट टू इंक्लूड दिस न्यूज एज वेल. REC विच इज अ महारत्ना कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज हैज लिस्टेड इट्स ग्रीन बॉन्ड्स इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ IFSCA. हमने अभी IFSCA के बारे में पढ़ा है, दैट इज द अथॉरिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट IFSCA गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSCA गांधीनगर, वहां पे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है. तो गिफ्ट IFSCA में देर आर वेरियस एंटिटीज, दे कैन कम अप टू प्रोवाइड सर्विसेज आउटसाइड. अब बैंकिंग यूनिट होगा तो IBU होगा, इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, और IFSCA बैंकिंग यूनिट. सिमिलरली बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, BSE ने भी अपना यहाँ पे एक्सचेंज खोला हुआ है, इंडिया INX, NSE ने भी खोला हुआ है, NSE IFSCA. सो BSE एंड NSE ने भी अपना इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज खोला हुआ है. वेरियस अदर एंटिटीज यू नो वर्किंग इधर इन इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर, कैन ओपन सर्विसेज और देयर यूनिट्स और ऑपरेशंस इन द IFSCA. सो इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है दैट इज देयर इन IFSCA, यहां पे REC ने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करी है, राइट, अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करी है. विथ सिक्योरिटीज ग्रीन बॉन्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स. ग्रीन बॉन्ड्स बहुत न्यूज में है. गो थ्रू दीज, व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स, व्हाट इज ESG फ्रेमवर्क, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस हमने बहुत बार ही पढ़ा है. गो थ्रू ESG फ्रेमवर्क, वी हैव डिस्कस्ड दिस, SEBI लेके आया था, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर ESG फ्रेमवर्क, गो थ्रू दीज. ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, गो थ्रू दैट एज वेल. ठीक है, इसके अंदर मरीन बॉन्ड्स आएंगे, येलो बॉन्ड्स आएंगे, हैव अ लुक एट दैट एज वेल. सो REC का एक एजेंडा है, दैट इज द ग्लोबल मीडियम टर्म प्रोग्राम, ग्लोबल मीडियम टर्म प्रोग्राम या ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम भी बोलते हैं, वेर इन दिस इज द एजेंडा $7 billion. And this is generally done either in subordinated debt or senior debt.
बट ये मीडियम टर्म के डेट इशू करते हैं, मीडियम टर्म के डेट इशू करते हैं, राइट? सो समवेयर अराउंड 10 years, 10 years का डेट इशू करेंगे, दैट इज मीडियम टर्म, एंड इट इज बोथ इन सबऑर्डिनेटेड डेट एंड सीनियर डेट, राइट? इन दिस केस दे हैव डन इट इन सीनियर डेट, राइट? सो दिस इज द लार्जेस्ट एवर सीनियर यूएसडी ट्रांच, दैट इज सीनियर ग्रीन बॉन्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, सीनियर्स आर द वंस विच आर सिक्योर्ड. तो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर सिक्योर्ड, अब उनके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट या जूनियर, ठीक है? व्हाट इज द सीनियर सबऑर्डिनेट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड? तो जब एक कंपनी यू नो लिक्विडेट हो जाती है, व्हेन अ कंपनी इज शटिंग डाउन, ओके, लिक्विडेट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, नाउ दे हैव टू पे बैक देयर डेट, दे हैव टू पे बैक देयर लाइबिलिटी. तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड है या जो सीनियर बॉन्ड है उनको पे बैक करेगी. लेट सपोज इफ आई हैव ओनली 1 lakh rupees एंड मैं इंसॉल्वेंट हो गई, and I have borrowing of 70,000 of senior debt and let's say 80,000 of junior debt. So junior debt वालों को नुकसान होगा because they will get only 30,000 of this, right? जितने की मेरे पास assets हैं या जितने मैं pay कर सकती हूँ. So senior means these are secured. Senior bonds हैं उनको पहले मिलेंगे, subordinate bonds उनको बाद में मिलेगा, okay? Right, so these are senior bond tranche, senior bonds issue हुए हैं by a south, largest by a South Asian issuer and largest ever in Indian NBFC. Okay. Now REC के बारे में है, Rural Electrification Corporation. It basically promotes various power sector projects in India. Right, Rural Electrification Corporation इसको बोला गया था. Power Finance Corporation Limited इसकी holding company है and it forms पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है महारत्ना कंपनी. ओके, यस, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. चार बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमने पढ़ ली है. दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम, अबाउट द क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग ऑन एंड अंडर विच द मेंटरशिप प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग ऑन. हैव अ लुक एट द क्रैश कोर्स इफ यू वॉन्ट टू क्लियर द अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम दिस ईयर इटसेल्फ, ठीक है? रिसेंटली 27th मीटिंग ऑफ एफएसडीसी टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली. Who chaired this meeting? बहुत ही easy है. Please let me know the answer to this. Which of the following statement is correct about FSDC subcommittee? FSDC subcommittee is headed by the finance minister. It meets more. Okay, here we are talking about the subcommittee, not headed by the finance minister, RBI governor. It meets more often than FSDC council. It is correct. All the members of the FSDC subcommittee are also the members of the FSDC. No. So all the members of the FSDC can be members of FSDC subcommittee. FSDC subcommittee में deputy governors भी होते हैं जो कि यहाँ के member नहीं हैं. Okay. The third question, on which of the following indicators is the IMF quota decided? Size of GDP, yes. The second one is openness. Openness, 30%. Economic variability, international reserves, yes. Recently, REC listed green bonds worth dash on international exchange of IFSC. REC is a dash company. Please fill both the blanks. Let me know the answer to this question as well. This was the last question for today. Okay. Yes, this was the last question for today. That brings us to the end of the session. I hope you liked it. I wish you all the very best for your upcoming RBI Grade B exam. Thank you.